हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का 2019-20 का पेपर। तो इसमें सेक्शन ए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है एनलिस्ट लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो लिमिटेशन है इसको लिखना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसमें है, यूनिट फर्स्ट में है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग में। तो इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो इसका लिमिटेशन में सबसे पहले क्या है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट शुड बी लो इन टू सॉल्वेंट्स। जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होना चाहिए वो दोनों सॉल्वेंट्स में मतलब लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा क्या है इसमें, दिस लॉ अबाउट नॉट होल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज हाई। मतलब जब कंसंट्रेशन इसका हाई होगा तो इस ये लॉ इस पर काम नहीं करेगा। द टेम्परेचर शुड बी केप्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सिंस द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड्स करती है, लेकिन इस लॉ के अनुसार या इस नियम के अनुसार उसमें जो है सॉल्युबिलिटी शुड बी केप्ट कॉन्स्टेंट, मतलब टेम्परेचर इसमें कॉन्स्टेंट होना चाहिए। जबकि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो इसलिए इस लॉ में ये कमी रह गई। द सॉल्यूट मस्ट बी इन द सेम मॉलिकुलर स्टेट इन बोथ द सॉल्वेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। सॉल्वेशन और एसोसिएशन को डिफाइन करना है। सॉल्वेशन क्या होता है, कॉमनली नोन एज डिसोल्यूशन, ये जो साधारण तौर पर डिसोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग एंड एसोसिएटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्वेंट विद मॉलिक्यूल्स और आयन्स ऑफ ए सॉल्यूट। मतलब इसमें अट्रैक्ट होता है मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट के साथ में जो आयन्स होते हैं उसके साथ। व्हेन सॉल्यूट और आयन डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट देन सॉल्यूट गेट्स सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दिस प्रोसेस नोन एज सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। सॉल्वेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर सच एज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस, इट इज ए पॉजिटिव नंबर, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक एंड इफ इट इज नेगेटिव इट इज एक्सोथर्मिक। तो इसमें दो होते हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। जब डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है इंडोथर्मिक जब होता है जब पॉजिटिव नंबर में होता है, जब नेगेटिव नंबर में होता है एक्सोथर्मिक होता है। तो इस प्रकार से सॉल्वेशन डिसोल्यूशन के तौर पे जाना जाता है। इसमें जब सॉल्यूट और आयंस डिसॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट से चारों तरफ से घिर जाता है या इसे ही सराउंडेड मतलब सराउंड हो जाता है, तो उसको सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगला देखते हैं, इसी में अगला जो है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, इट इज द फिनोमेना इन विच द अपोजिटली चार्ज आयन कम टुगेदर इन ए सॉल्यूशन एंड फॉर्म ए डिफरेंट एंटिटी। मतलब दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं और इसमें एक अलग टाइप्स के मतलब दोनों मिलकर एक मॉलिक्यूल्स का नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसे एसोसिएशन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सॉल्वेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूट इज नोन एज एसोसिएशन। मतलब जो आयनिक सॉल्यूट का जो सॉल्वेशन होता है तो उसको एसोसिएशन कहा जाता है। नंबर क्वेश्चन नंबर तीन है, डिफाइन रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं इसको हमें डिफाइन करना है। तो ये रियल सॉल्यूशन किस यूनिट में है, ये भी सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन नंबर दो दोनों यूनिट का फर्स्ट के थे, क्वेश्चन नंबर थ्री भी यूनिट फर्स्ट का है। तो इसको हम देखते हैं रियल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पूछता है तो भी आप रियल सॉल्यूशन, या रियल सॉल्यूशन के बारे में पूछता है तो आप मतलब दोनों सेम ही है, नाम चेंज है। द सॉल्यूशन व्हिच नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड रियल सॉल्यूशन, इसका मेजर फैक्टर है। मतलब जो राउल्ट्स लॉ का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम रियल सॉल्यूशन कहते हैं। राउल्ट्स जी ने एक लॉ दिया था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो द सॉल्यूशन व्हिच नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड रियल सॉल्यूशन, इन व्हिच द कोहेसिव अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी एक्सीड्स देन अधेसिव अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड वी। तो इसमें कोहेसिव अट्रैक्शन अधेसिव अट्रैक्शन क्या होता है, अधेसिव होता है तो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जब आपने मिलते हैं तो अधेसिव फोर्स कहते हैं, अधेसिव अट्रैक्शन कहते हैं। और कोहेसिव अट्रैक्शन क्या होता है, जो सेम मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो उन्हें कोहेसिव अट्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें जो है कोहेसिव अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी एक डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल हैं, ए एंड बी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें जो कोहेसिव अट्रैक्शन होता है ए और बी के बीच में, ये अधेसिव अट्रैक्शन जो ए और बी के बीच में होता है उससे ज्यादा होता है। मतलब कोहेसिव अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन अधेसिव अट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। सच मिक्सचर और सॉल्यूशन आर आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन। मतलब इस प्रकार के जो मिक्सचर होते हैं सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, व्हेन 100 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्स विथ 100 ml ऑफ वाटर देन द वैल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज अबाउट 180 ml। मतलब इसमें कंसिडर्ड इवेल्युएशन ऑफ हीट, इसमें हीट अब्जॉर्ब होता है इसलिए इसकी वैल्यू जो है दोनों मिलने पे थोड़ा कम हो जाता है, तो इसको रियल सोल्यूशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन डिफ्यूजन।
डिफ्यूज़न क्या होता है इसको हमें डिफाइन करना है। तो डिफ्यूज़न भी हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, ये भी यूनिट फर्स्ट से है। तो ऊपर के चार क्वेश्चन जो है लगभग यूनिट फर्स्ट से आए हुए थे, 2019-20 में शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि इसमें शॉर्ट आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकें। तो डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो इसमें मास ट्रांसफर होता है इंडिविजुअल मतलब एक अलग मॉलिक्यूल्स का, मतलब हाई रीजन हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में। जैसे कि हाई कंसनट्रेशन हो गया इसमें लो कंसनट्रेशन हो गया, तो मॉलिक्यूल्स इसमें हाई से लो में जाएंगे। इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोसेज फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, प्रेडिक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, व्हाट आर द चिलेट कंपाउंड। चिलेट कंपाउंड क्या होते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा यूनिट 4 से है, कॉम्प्लेक्सेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग से। इसको देखते हैं क्या होता है चिलेट कंपाउंड। ए सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर डोनर ग्रुप में कंबाइन विथ ए मेटल आयन टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नोन एज चिलेट्स। मतलब दो से अधिक डोनर ग्रुप जिसमें होते हैं और जो सब मिल करके जो नया मेटल आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उसको हम लोग चिलेट्स कहते हैं। द बॉन्ड इन्वॉल्व में बी आयनिक प्राइमरी कोवेलेंट टाइप और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट टाइप। डिपेंडिंग ऑन लिगेंड ग्रुप इट मे बी बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट ये लिगेंड्स के टाइप्स होते हैं। लिगेंड क्या होता है कि जिसके पास लोन पेयर होता है और वो सेंट्रल कार्बन एटम पे अटैच होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड होते हैं बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। व्हेन मेटल एटम अटैच्ड विद दीज एटम, मतलब लिगेंड से जब सेंट्रल एटम अटैच होता है इन फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये मतलब चिलाइड कंपाउंड बनाता है। इसका एग्जाम्पल होता है EDTA, इसमें इसको हम एथिल डाइअमीन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टेट राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ किसे कहते हैं इसको हमें लिखना है। तो ये भी पहले यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, मतलब इसमें 6 में से 5 क्वेश्चन जो आपकी यूनिट फर्स्ट से आ चुके हैं और एक क्वेश्चन यूनिट 4 से आ चुके हैं अभी तक में। तो इस राउल्ट्स जी ने क्या कहा, एट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एट डेफिनेट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन ए लिक्विड मिक्सचर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द इट इज एक्सप्रेस डैश PA is equal to rho A into XA, where is PA is equal to partial pressure of A in liquid state, rho A is equal to vapor pressure of pure A, and XA is equal to mole fraction of A in solution. अगला क्वेश्चन है what are the vapor pressure? Vapor pressure होते क्या हैं? तो in state in which रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब कंडेंसेशन का रेट जो होता है वेपोराइजेशन के बराबर होता है। एंड दिस टाइप द प्रेशर क्रेडिट, एंड ऐसी अवस्था में क्या होता है जो प्रेशर जो क्रेडिट करता है बाय द वेपर, मतलब वेपर के द्वारा जो प्रेशर क्रेडिट होता है वो वेपर प्रेशर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन HLV स्केल। HLV स्केल क्या होती है उसको हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसको फुल फॉर्म इसका समझ लेते हैं। HLV का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस सिस्टम। तो इसके फुल फॉर्म से इसकी डिफिनेशन हम लोग बता सकते हैं। इट इज़ द बैलेंस ऑफ द सर्फेक्टेंट, मतलब मेनली सर्फेक्टेंट में यूज होता है। इट इज़ द बैलेंस ऑफ द सर्फेक्टेंट इज ए मीजर ऑफ द डिग्री टू विच इट इज हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक, मतलब ये कोई भी लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस जो है हाइड्रोफिलिक या लाइपोफिलिक है इसका मेजर करने के लिए, सर्फेक्टेंट का मेजर करने के लिए हम HLV स्केल का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या है एज डिस्क्राइब बाय ग्रिफिन 1949-1954, मतलब ग्रिफिन के द्वारा इसको बताया गया था 1949 में और 1954 में। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है? तो बेसिकली यूनिट 3 का क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। तो सरफेस टेंशन में होता है इट इज द फोर्स पर यूनिट, फोर्स हो गया यहाँ पे, इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल टू द सर्फेस। उसे हम क्या कहते हैं सर्फेस टेंशन कहते हैं। तो सर्फेस टेंशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, वेर इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर होती है। इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है इट इज द सेम एज सर्फेस टेंशन, मतलब सर्फेस टेंशन की तरह ही होता है, सेम कैसे कहते हैं इसको, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल टू द सर्फेस बट इट इज हैपन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। इसमें क्या होता है मिसिबल लिक्विड भी हो सकते हैं, इसमें क्या होता है इमिसिबल, जैसे फिनॉल एंड वाटर हो गया, जैसे हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया होता पार्टीशन कोफिशियंट का, तो फिनॉल एंड वाटर इमिसिबल लिक्विड है, तो इसमें इंटरफेशियल टेंशन कह दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
डिफाइन सोरेंसन पीएच स्केल, सोरेंसन के पीएच स्केल को हमको डिफाइन करना है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं पीएच क्या होता है। मतलब इतना लिखना नहीं होगा आपको एग्जाम में, आपको केवल पीएच स्केल के बारे में लिखना है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि पीएच होता क्या है। पीएच में भी डिफाइंड एज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, मतलब निगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन का, पीएच होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इज मेजर ऑफ इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी एक्वा सोल्यूशन एट ए स्पेसिफिक सोल्यूशन। तो पीएच स्केल क्या होता है मेनली हम लोग यहाँ से देखते हैं। पीएच स्केल हेल्प टू मेजर द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी सोल्यूशन। जो पीएच स्केल होता है क्या करता है, एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए हमको हमारी हेल्प करता है। मतलब उसके द्वारा हम एसिडिटी या बेसिसिटी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14, इसमें 0 to 14 रेंज होती है। तो आप इसको स्कोर को बना सकते हैं, स्केल को 0 से 14 तक का नंबर लिख देते हैं। इसमें जो 8 से 14 तक होता है बेसिक, मीडियम अल्कलाइन होता है, 7 होता है न्यूट्रल होता है, एंड 0 से जो 6 तक होता है इसको हम एसिडिक कहते हैं। तो जैसा कि आप इसमें फिगर में बना देते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको लैंग्वेज बना के हमको नीचे लिख देना रहता है। द स्केल स्टार्ट विथ 0 पीएच इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक, मतलब सॉल्यूशन जो होता है स्ट्रांगली एसिडिक, एंड एंड विथ 14 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज स्ट्रांगली अल्कलाइन। मतलब क्या होता है कि 0 से पीएच 0 क्या इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन जो है स्ट्रांगली एसिडिक है, एंड वेयर 14 क्या इंडिकेट करता है कि स्ट्रांगली अल्कलाइन है, बेसिक है। द सेंट्रल पॉइंट 7 इंडिकेट्स न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जो जो 7 पॉइंट है क्या इंडिकेट्स करता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसको सेक्शन ए को सॉल्व कर लिया है। सेक्शन बी को हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई आपका कोई सुझाव है या आपकी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें सुझाव दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।